हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मरकस की अंजील उसके 16वें बाब में से। और उसने उनसे कहा कि तुम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलक शय पिएंगे तो ये उनके लिए जररसान ना होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदान मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं फादर खान पौलुस ओएमआई लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज पाकमा क्लीसिया मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली या कन्वर्शन की ईद मनाती है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को आज की ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम पाक कलाम में पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल एक पढ़ा लिखा अबाव अजदाद की रवायात का दिफा करने वाला कट्टर किस्म का यहूदी था, लेकिन ये गलत फहमी और मसीहियत के मुतल्लिक गलत नज़रिया रखने की वजह से यस्सु की कलीसिया का दुश्मन था। उसे सख्त इज़ा देता था, उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहता था। इसी नफ़रत के आलम में जब वो इस नीयत से कि मसीहियों को घसीट कर यरूशलम लाए ताकि उन्हें कत्ल करवाए दमिश्क की राह पे था, तो मसीह खुदावंद उन पर जाहिर होते हैं। जब वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है कि शाउल शाउल, तू मुझे क्यों ईज़ा देता है। शाउल पूछते हैं कि खुदावंद तू कौन है। दोबारा आवाज़ आती है कि मैं यस्सु नासरी हूँ जिसे तू ईज़ा देता है। पौलुस रसूल फिर पूछते हैं कि खुदावंद मैं क्या करूँ। यस्सु मसीह फरमाते हैं कि उठ दमिश्क की राह को जा, वहाँ सब कुछ तुझे जो करना है तुझे बताया जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये अजीम वाक़या खुदावंद यस्सु मसीह का पौलुस रसूल पर ज़ाहिर होना, पौलुस रसूल की यस्सु मसीह के साथ शख्सी मुलाकात पौलुस रसूल की ज़िंदगी की समत को बदल देती है। ज़िंदगी एक नया रुख लेती है, एक रेडिकल चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मुकम्मल तब्दीली मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी में बरपा होती है। वो जो मसीह खुदावंद को अपना दुश्मन समझता था, अब उसको ना सिर्फ दुनिया का बल्कि अपना भी निजात दहिंदा खुदावंद बचाने वाला तस्लीम करता है, ना सिर्फ यस्सु को कबूल करता है बल्कि उसी की अंजील का अजीम मुबशर भी बन जाता है, उसी यस्सु का रसूल और खादिम बन जाता है, मसीह यस्सु को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लेता है। वो कलीसिया जिसको वो सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहता था, अब वो उसका ज़बरदस्त मुहाफिज बन जाता है, अब उसकी बढ़ोतरी चाहता है, उसकी अफजाइश चाहता है, उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। इस अजीम मुलाकात के बाद वो अपने आप में एक नएपन का तजर्बा करता है और दूसरों को भी बताता है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। इस मुलाकात के बाद पौलुस रसूल मसीह खुदावंद की मोहब्बत का बड़ी गहराई से तजर्बा करता है और बहुत ज़्यादा कायल हो जाता है। गलातियों के नाम खत में पौलुस रसूल लिखते हैं, इस वास्ते मैं शरीयत से शरीयत की निस्बत मर गया ताकि मैं खुदा की निस्बत जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से जिंदा हूँ जिसने मुझे प्यार किया और अपने आप को मेरे बदले हवाले कर दी। तैमुताउस के नाम पहले खत उसके पहले बाब की 12वीं से 14वीं आयत में फरमाते हैं,
मैं अपने कुव्वत बख्शने वाले यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अमानतदार समझकर खिदमत पर मुकरर किया। हालांकि मैं पहले कुफरगो और इजारसां था और जालिम था, लेकिन मुझ पर इस वास्ते रहम हुआ कि मैंने जो कुछ किया ईमान ना होने की हालत में जहालत से किया, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल उस ईमान और प्यार के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल मसीह यीशु की मोहब्बत का इस कदर कायल था कि रोमियों के नाम खत उसके 5वें बाब में लिखते हैं, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम हनूज गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस सादिक ठहरे तो अब कितना ज़्यादा उसी के वसीले से गज़ब से बचे रहेंगे। तो मसीह खुदांद में रजीस बहनों और भाइयों, आज की ईद हमें ये सिखाती है कि सबसे पहले मसीह यीशु से शख्सी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मसीह यीशु की मोहब्बत का शख्सी तजर्बा करना अजहद ज़रूरी है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, बल्कि शख्सी तौर पर मसीह की मोहब्बत का कायल होना और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अजीम शख्सी मुलाकात के बाद यीशु मसीह ही पौलुस रसूल की ज़िंदगी का महवर, पौलुस की ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बन गया। पौलुस रसूल अब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसकी मर्जी को पूरा करता है जिसने उसे चुना और मुकरर किया। खिदमत के इस सफ़र में जितनी भी मुश्किलात आईं पौलुस रसूल की राह को ना रोक सकें। रोमियों के नाम खत में वो लिखते हैं, बस कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी, जुल्म या कहत, या उरियानी या ख़तरा या तलवार, बल्कि हम इन सब सूरतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की शानदार फतह पाते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि ना मौत ना जिंदगी, ना फरिश्ते ना हुकूमते, ना हाल ना मुस्तकबिल, ना कुदरतें, ना बुलंदी ना पस्ती, ना कोई और मखलूक खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमें जुदा कर सके। मेरे अज़ीज़ो, जो दूसरी बात आज की ईद हमें सिखाती है वो ये है कि मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ शख्सी मुलाकात, खुदावंद यीशु मसीह की शख्सी मोहब्बत का तजर्बा इतना शीरीं था कि वो उस मोहब्बत को, उस तजर्बे को दूसरों में बांटता है। वो चाहता है कि दुनिया का हर शख्स खुदावंद यीशु मसीह की शख्सी मुलाकात का और उसकी मोहब्बत का तजर्बा करे। करिन्थियों के नाम पहले खत उसके 9वें बाब में पौलुस रसूल यूं लिखते हैं, गो मैं सब से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूँ। मैं यहूदियों के दरमियान यहूदी की तरह बना ताकि यहूदियों को हासिल कर सकूँ। अहले शरीयत के लिए मैं अहले शरीयत की तरह बना ताकि अहले शरीयत को हासिल कर सकूँ। बेशरों के लिए मैं बेशरा बना ताकि, गो मैं खुदा की शरीयत के बगैर नहीं था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था, ताकि बेशरों को हासिल कर सकूँ। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को हासिल करूँ। सब के लिए सब कुछ बना ताकि हर मुमकिन तौर से बाज को बचा सकूँ। तो मेरे अज़ीज़ो, पौलुस रसूल की ज़िंदगी हम सबको भी ये दावत भी देती है और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज भी रखती है कि हम जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना है, हम जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाया है, हम जो यीशु मसीह के शागिर्द होने का दावा करते हैं, ज़रूरी है कि हम भी पौलुस रसूल की तरह खुदावंद की उस मोहब्बत को दूसरों में बांटें, खुदावंद की अंजील के मुबशर बन जाएं, खुदावंद की मोहब्बत को ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अपनी ज़िंदगी से, अपने रोज़मर्रा किरदार से, अपने चाल चलन से खुदावंद की मोहब्बत के हम सच्चे और हकीकी मुबशर बन जाएं। आए मेरे अज़ीज़ो, दुआ करें कि आज की ईद हम सबको ये हिम्मत दे, ताकत दे कि हम उसकी मोहब्बत का शख्सी तौर पर तजर्बा करें, उसकी मोहब्बत के शख्सी तौर पर कायल हो जाएं
और उसकी मोहब्बत को दूसरों में बांटते हुए खुदावंद के हकीकी शागिर्द और उसकी अंजील के हकीकी मुबशर बन जाएं। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे अपने पाक और पवित्र नाम के वसीले से। आमीन।